हे hey guys, वेलकम टू ऑल बोर्ड एंड वेलकम टू द अनादर से ऑफ डेली जी इन टेन मिनट्स विच इज योर रिविजन सेशन 66. सिक्स सो टिल नाउ वी हेड डन 65 sessions. इसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपका comments में पिंड है और बाकी भी लिंक्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स वगैरह में है प्लीज उन्हें चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टॉप पे और comments में भी वो लिंक्स पिंड है उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस बेल आइकन ईसी पीओ की वैकेंसीज निकली हैं उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा वो डिटेल नोटिफिकेशन ठीक है प्लीज डू वॉच दैट डिटेल नोटिफिकेशन अगर आपको लगता है यू वांट टू अप्लाई यू कैन पहला क्वेश्चन देखो

A, जो होती है, उसका आपको मेच्योरिटी पीरियड और फिक्स इंटरेस्ट रेट बताना है कि कितना होता है ठीक है और ये भी बताओ कि ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी तो इसका फिक्स मेच्योरिटी पीरियड तो होता है एट ईयर्स ठीक है और जो इसका फिक्स इंटरेस्ट रेट है दट इज टू पॉइंट फाइव परसेंट और मैं बताना भूल गई थी पिछले क्वेश्चन में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लॉन्च हुई थी आपकी 2015 में ठीक है तो याद रखना 2015 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी ठीक है नेक्स्ट देखो रिसेंटली विनीत अग्रवाल अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वन हाल ही में विनीत अग्रवाल जो है वो नए प्रेसिडेंट बने इनमें से किस चीज के सो ही बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑप्शन ए एसोसिएटेड चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ठीक तो है तो इसके वो प्रेसिडेंट बने हैं याद रखना विनीत अग्रवाल एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इसके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लो मैनेजिंग मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लॉजिस्टिक्स मेजर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं लॉजिस्टिक मेजर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के रह चुके हैं विनीत अग्रवाल वो नए प्रेसिडेंट बने हैं ठीक है असोचम ठीक है आपको पता होना चाहिए कि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया को हम शॉर्ट में असोचम बोलते हैं ठीक है ठीके? उन्होंने निरंजन हीरा न, हीरा को रिप्लेस कराया ही करायास निरंजन हीरा नंदनी ठीक है

सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया ऑफ इंडिया ठीक है सोशल इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस मुस्लिम कम्युनिटी जो है इंडिया की उसके लिए ठीक है तो ये हुआ था पर्पज सचार कमेटी का याद रखना सचार कमेटी यूपीए गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट की थी दो में टू में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आर्य राजेंद्रन बिकम द यंगेस्ट मेयर एवर इन इंडिया फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी तो आर्य राजेंद्रन जो है वो यंगेस्ट मेयर बनी है इनमें से किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी की और ये यंगेस्ट मेयर बनी है अभी तक इंडिया की ठीक है तो वो किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी की बनी है आपको ये बताना है सो शी बिकेम द यंगेस्ट मेयर फ्रॉम केरला ठीक है इंडिया की यंगेस्ट मेयर बनी है केरला से

नेक्स्ट देखो हु वन द स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड फॉर द फोर्थ टाइम फोर्थ टाइम किसको स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड मिला है फोर्थ टाइम ठीक है नॉट फोर्थ टाइम इन अ रो का मतलब होता है बैक टू बैक मिला है ठीक है पर फोर्थ टाइम का मतलब होता है कि फोर्थ टाइम मतलब वो किसी भी साल में हो सकता है ठीक है तो वो मिला है रफाल नडाल को ऑप्शन ए रफाल नडाल जो कि स्पेनिश टेनिस प्लेयर है ठीक है याद रखना स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड तो ये है कि स्टीफन एडबर्ग तो स्टीफन बैंगेट एडबर्ग करके स्वीडिश फॉर्मर वर्ल्ड नंबर वन टेनिस प्लेयर रह चुके हैं उनके नाम पे ये अवार्ड बनाया गया है स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये कहाँ के थे तो याद रखना स्वीडिश ठीक है स्वीडन के थे नेक्स्ट देखो हेमंत कुमार पांडे हैज बीन ऑनर्ड विद डीआरडीओ साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर इज कंट्रीब्यूशन टू डेवलपिंग सेवरल हर्बल मेडिसिन इंक्लूडिंग विच ऑफ द पॉपुलर ड्रग तो हेमंत कुमार पांडे जो है उनको डीआरडीओ का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है उनके किस कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब उन्होंने जो कॉन्ट्रीब्यूट करा है सेवरल हर्बल मेडिसिन को डेवलप करने के लिए उसके लिए मिला है इंक्लूडिंग विच ऑफ द पॉपुलर ड्रग और उनमें कौन सा पॉपुलर ड्रग इंक्लूडेड है सो दैट इज ल्यूकोस्कियन ऑप्शन बी लिकॉस्किन करके ड्रग है वो इसमें इंक्लूडेड है ठीक है तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड कौन प्रेजेंट करता है तो याद रखना डीआरडीओ ठीक है और किसको है हेमंत कुमार पांडे को ठीक है डीआरडीओ का फुल फॉर्म देख लो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ठीक है फुल फॉर्म इसका इंपॉर्टेंट है आ सकता है ये है डीआरडीओ का फुल फॉर्म और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है न्यू डेली में ठीक है इसरो अगर हम इसरो की बात करें तो इसरो का सॉरी इसरो की अगर हम बात करें तो इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में ठीक है याद रखना इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में नेक्स्ट देखो नेम द बैंक दैट लॉन्च ए टी एम ऑन व्हील्स द कंट्रीज फर्स्ट मोबाइल ए टी एम इन टू थाउजेंड टू इनमें से कौन सा बैंक है जिसने लॉन्च करा ए टी एम ऑन व्हील्स व्हील्स ठीक है कंट्री का पहला मोबाइल ए टी एम टू थाउजेंड टू में ठीक है सो वो है आई सी आई सी आई बैंक ऑप्शन सी तो आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च करा ए टी एम ऑन व्हील्स विच इज कंट्रीज फर्स्ट मोबाइल ए टी एम ठीक है ईयर याद रखना दो हजार दो में आईसीआईसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में एच डी एफ सी का मुंबई में कैनरा का बेंगलुरु में एस बी आई का मुंबई में और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का भी मुंबई में है ठीक है Which state won the Digital India Award 2020 under pandemic category? Pandemic category में कौन सी state है जिसको Digital India Award 2020 मिला है pandemic category में ठीक है that is Bihar option D. Pandemic जो अभी आपका current coronavirus वायरस चल रहा है इसके ऊपर ठीक है तो उन्होंने कि मोर देन ट्वेंटी सहायता मोबाइल ऐप ठीक है तो डिजिटल इंडिया अवार्ड क्यों मिला है कि बिहार ने एक ऐप बनाया था जिसका नाम है बिहार सहायता मोबाइल ऐप तो इसके वजह से कम से कम इक्कीस लाख से भी ज्यादा स्ट्रेंडेड वर्कर्स जो बिहार के बाहर वर्कर्स जो फंस गए थे उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ये ऐप बना था बिहार सहायता मोबाइल ऐप ठीक है

राजस्थान ठीक है डू टेल मी द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन राजस्थान बिकॉज राजस्थान में काफी है और बहुत पूछी जाती है सो डू टेल मी राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं नेक्स्ट देखो राजस्थान हैज नाउ ज्वाइन फाइव अदर स्टेट्स तो राजस्थान ने पांच और स्टेट्स को ज्वाइन है और वो पांच कौन सी स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश कर्नाटका मध्य प्रदेश तमिलनाडु एंड तेलंगाना विच हैव कंप्लीटेड द रिफॉर्म फैसिलिटेटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसने कंप्लीट कर लिया रिफॉर्म फैसिलिटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ठीक है सो दैट मीन्स देर आर टोटल सिक्स स्टेट्स नाउ इंक्लूडिंग राजस्थान टोटल छह स्टेट्स हैं एंड सिक्स स्टेट्स वर ग्रांटेड एडिशनल बोरिंग परमिशन ऑफ नाइनटीन थाउजेंड फोर फिफ्टी नाइन करो और छह स्टेट्स को

सीई बी आर क्वेश्चन में सीई बी आर इसका शॉर्ट फॉर्म भी आ सकता -E है सीई बी आर होता है सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च इसी का शॉर्ट फॉर्म को CEBR बी आर कहते हैं तो करेक्ट आंसर इज टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव मतलब दो हजार पच्चीस में इंडिया जो है वो यूके को ओवरटेक करेगा और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा वर्ल्ड की अकॉर्डिंग टू सीई बी आर रिपोर्ट सो लास्ट क्वेश्चन देखो अ टाइगर रिजर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज गॉट इंडियाज फर्स्ट हॉट एयर बलून सफारी आपको ये बताना है कि किस स्टेट का टाइगर रिजर्व है जिसको इंडिया का फर्स्ट हॉट एयर बलून सफारी मिलेगा इंडियाज फर्स्ट हॉट एयर बलून सफारी ठीक है तो मुझे साथ में उस स्टेट का नाम तो बताओ वो टाइगर रिजर्व का भी नाम बताओ जिसको मिलेगा सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एमपी मध्य प्रदेश ठीक है और जो टाइगर रिजर्व है एमपी में दैट इज बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व तो क्वेश्चन नॉर्मली ये भी बन के आ सकता है कि बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व कौन सी स्टेट में है तो याद रखना इट इज इन मध्य प्रदेश ठीक है इट विल बी ऑपरेटेड बाई जयपुर बेस्ड कंपनी स्काई वॉर्स और इसको कौन ऑपरेट करेगा एक जयपुर बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है स्काई वॉर्स ठीक है तो एयर से आप स्काई याद रख सकते हो ठीक है सो गर्ल्स ये वी आर डन विद योर डेली जी एस सेशन इन टेन मिनट्स अगर अच्छा लगाए दैन प्लीज डू हिट द लाइक बटन डू चेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू डू सब्सक्राइब आर चैनल डोम फॉर गेट टू हिट दिस वे लाइकन एंड डू चेक ऑल द लिंक्स इन द कॉमेंट सेक्शन एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स